सुनिए आंचल की असली रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से साबित होता है कि आंचल कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। इस आंचल ने बच्चे के नाम पर मुझसे मेरे परिवार को दूर किया, सबकी इतनी बेइज्जती की, हमारे भगवान समान पापा जी पे गंदा पानी डाला, दादी जी को चोट पहुंचाया, पूरे परिवार को घर से निकाला। हम सबकी इंसानियत और ममता का फायदा उठाया इस लड़की ने। इस जैसी लड़की को तो नर्क में भी जगह नहीं मिल सकती, नर्क में भी नहीं। अपनी भोली से सूरत दिखाकर अभी तक हम सबको ठग रही थी, हमारे जज्बातों के साथ खेल रही थी। तो हाँ, या मैं नहीं सकती, या मैंने आप लोगों को धोखा, लेकिन फिर भी आप लोगों को मेरे पैर धोके पीने चाहिए। लेकिन आप लोगों की वजह से मेरी माँ की मौत हुई और मैंने उफ तक नहीं की, फिर भी मैंने आपके बेटे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उन्हें सजा नहीं दिलवाई। लेकिन आज मैं वो सब करूंगी, हुकुम साहब को मैं जेल भिजवा के रहूंगी। हाँ, भेजो मुझे जेल, बुलाओ पुलिस को, यही खड़ा हूं मैं। हाँ हाँ, मैं अभी बुलाती हूँ पुलिस को। अरे आंचल रुको जरा, मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई कि तुम्हारे इस प्रेगनेंसी टेस्ट के साथ साथ मैंने एक और टेस्ट करवाया। आप दोनों का डीएनए टेस्ट। और ये रही उसकी रिपोर्ट। तो टाइम आगे बन गया, मुझे बाल भी मिल गए। ऐसा करते हैं, आंचल के खून और डायमा के इस बाल से ही डीएनए टेस्ट करवाएं। माँ, पापा जी, दादी जी, उस दिन जो निहार जी से एक्सीडेंट हुआ था उसमें किसी की जान नहीं गई, बल्कि उसके बाद से ये आंचल हमारे पूरे परिवार के साथ खेले थे। ये दाइमा आंचल की दाइमा नहीं, असल में ये उसकी सगी माँ है। वाह, क्या बात है माँ जी, आपको तो मानना पड़ेगा, आपके आपके चरण का है माँ जी, चरण का है। माँ, मैं और माँ ने आप लोगों को धोखा दी, लेकिन इस खेल में तुम्हारा कोई अपना हमारा सबसे बड़ा साथी था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम आचल,
बकवास नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। तुम लोगों को सबसे बड़ा धोखा दिया है, तुम्हारे पूजनीय सासू माँ ने दिया है, इस पूनम गोयल ने दिया है। आंचल को थप्पड़ मारने से आपका बाप नहीं चिपका। अब सच सच बताइए, क्या इस सब में अब शामिल थी? हाँ, चाहती थी। मैं चाहती थी निहार और आंचल की शादी हो जाए। मैंने दिया इसका साथ। तो क्या करती? ये लड़की मुझे हर घड़ी ब्लैकमेल करती थी। निहार के होने वाले बच्चे के नाम पर तो कभी कभी अपनी माँ के कत्ल के नाम पर मुझे घड़ी घड़ी ब्लैकमेल करती थी। ये लड़की कहती थी कि अगर मैंने इसका साथ नहीं दिया तो ये मेरे निहार को इसकी माँ के कत्ल के इल्जाम में जेल भिजवा देगी, उसको सजा दिलवाएगी। मैं डर के इसकी हर बात मानती रही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी माँ जिंदा है। मेरे पास कोई चारा ही नहीं था सिवाय इसके साथ खड़े होने के। और रचिता, तुमने तो अपने होने वाले बच्चे के लिए क्या कुछ जतन नहीं किए, जबकि वो तो इस दुनिया में आया भी नहीं है। मैंने अपने बेटे को तो 26 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया। अपने बेटे के लिए, उसे बचाने के लिए मुझे इस औरत का साथ देना पड़ा। क्या गलती की मैंने, मुझे इसके साथ गिरना पड़ा। झूठ, ये औरत सनातन झूठ बोल रही है, झूठ। बस तुम कितनी भी कोशिश कर लो हमारे परिवार को तोड़ने, हम सबको अलग करने की, लेकिन तुम अपने इरादों में कभी सफल नहीं हो सकती और ना ही मैं कभी होने दूंगी। निहार जी, अपनी जल्दी से प्लीज को बुलाइए। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन, में निहार गोयल बोल रहा हूँ। रुको! अरे कहाँ जा रहे हो? छोड़ो मुझे! तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई भाग लोगे? छोड़ो मुझे! आजल, कोई आगे बढ़ेगा तो ये नुकीली लकड़ी बुढ़िया के गले के आर पार कर दूंगी। नहीं 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 आजल, अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आजल, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। छोड़ो माँ को, तुम्हें अपनी माँ प्यारी है ना, तो मेरी माँ को छोड़ो। छोड़ूंगी मैं, मार दूंगी। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ो माँ। माँ, इनकी गाड़ी की चाबी ले जाती ना, अभी क्या अभी भोग दूंगी इसके गले में। हाँ, ये दो, गाड़ी की चाबी दो, जल्दी गाड़ी निकालो, कोई आगे नहीं आएगा। निहार, प्रतीक, आचल देखो ऐसा वैसा कुछ मत करना, तुम यहाँ से बचकर भाग नहीं पाओगी, पुलिस तुम्हें पकड़ ही लेगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। आपको गिरफ्तारी चाहिए या फिर अपनी माँ की जान, या तय कर लीजिए हुकुम सा, क्योंकि यहाँ पुलिस आई तो आपकी माँ सीधे स्वर्ग जाएगी। नहीं, कोई होशियारी मत करना, वरना ये बुढ़िया का आज राम नाम
सत्य हो जाएगा। आचल क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हें क्या चाहिए तुम बोलो। आचल चलो जल्दी चल निहार, आचल मुझे आचल आचल माँ को छोड़ दो। आचल आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, चल पीछे चल चल। आचल प्लीज बता दो तुम्हें क्या चाहिए, माँ को छोड़ दो ना, प्लीज छोड़ दो माँ। मुझे हुकुम सा चाहिए। कब, कहाँ, कैसे, वो मैं आपको बता दूंगी, समझे? आचल 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 रुको। गाड़ी के पीछा करते चलिए भैया। भगवान सब सही कर दे। अरे पीछा कर रहे, बोलो पीछा कर रहे माँ, और तेज चलो। निहार थोड़ा तेज चलाओ। अरे तेज चलाओ ना, क्या कर रहे हो? निहार और तेज। संभल के निहार, निहार हम बॉम तक पहुंचने ही वाले थे, लेकिन पता नहीं बीच में वो ठेला कहां से आ गया और आंचल की गाड़ी दूर निकल गई। हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन भगवान का शुक्र है निहार जी कि आप दोनों बिल्कुल ठीक हैं। और रही माँ की बात, तो उन्हें हम कैसे भी करके ढूंढ लेंगे। हम ऐसा करते हैं, अपनी कार का नंबर पुलिस को दे देते हैं, वो तब तक उस कार का पता लगा लेंगे। तुम सही कह रही हो रुचिता, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। माँ आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। माँ हम आपको बहुत जल्द ढूंढ लेंगे, बस आप हिम्मत रखिएगा। पता नहीं उस आंचल ने क्या हाल किया होगा पूनम का। बहुत गिरगी की तरह रंग बदल रही थी ना तू आज सबके सामने। रुक, आज तेरे सारे रंग उतारती हूँ मैं, चल। अरे आंचल निकाल उसे, वरना मर जाएगी वो। छोड़ दो मुझे, तुम्हें मुझे पकड़ के
कुछ नहीं मिलेगा। तेरी बात मानकर भी मुझे कौन सा खजाना मिल गया था? मैं अपनी मनमानी करके अपनी जिद पूरी करवाऊंगी, बस। मेरा बेटा छोड़ेगा नहीं तुम्हें। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो मुझे कभी भी ना छोड़े, जिंदगी भर मुझे ना छोड़े, हमेशा मेरा गुलाम बनकर मेरे साथ रहे। गुलाम, गुलाम तुम बनोगी, और वो भी जेल की सलाखों के पीछे। मैंने उम्र भर के लिए तुम्हें नहीं पहुंचाया तो पूनम गोयल मेरा नाम नहीं। और पिता पिता कर रहे तू, बहुत ज्यादा पिता पिता कर रहे तू, आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगी। आज तो मैं तुझे खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी, मारूंगी। पुलिस हमारी कार की लास्ट लोकेशन ढूंढ रही है, जल्दी हमें मॉम का पता लग जाएगा। लेकिन यार जी, हम भी ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हैं ना। हम ऐसा करते हैं, हम उसी रास्ते पर जाके ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाएगा, लोगों से कुछ पूछताछ कर लेंगे। गुड आइडिया। पापा दादी आप यहीं रुके, हम मॉम का पता करके आते। ठीक है बेटा, चलिए भाई। हाँ चलिए भाभी। सब हरकतें करके आंचल हमें डराने की कोशिश कर रही। बस एक बार मॉम मिल जाए ना, उस आंचल को छोड़ूंगा नहीं मैं। ये क्या है? ये तो पेन ड्राइव। Mom!
आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपको ढूंढ लूंगा बाप। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, प्रतीक, रुचिता, निहार, मॉम, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। ये आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है, इसका मतलब तो यहीं कहीं है। और बचाओ मुझे, बचाओ। रुक जाइए, आप लोग, ये आवाज घर से नहीं आ रही। रुचिता, निहार, वो आवाज वहां से आ रही। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, प्रतीक, रुचिता, निहार, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, प्रतीक, रुचिता, निहार, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। ये देखिए आज यहाँ से आवाज आ रही थी। इसका मतलब आंचल यही गई होगी, मैं देख रहा था। निहार, रुचिता, पापा, सब लोग बाहर आइए। भाई, प्रतीक, प्रतीक जी, क्या हुआ? क्या हुआ भैया? वो उधर कोई है, मैंने अभी परछाई देखी। इनमें से एक कागज आप और रुचिता दीदी के तलाक का और दूसरा हमारे शादी का। अब जल्दी से दस्तखत कीजिए। तुम्हारा खेल खत्म हुआ आंचल। इस जन्म में तो क्या, तुम किसी भी जन्म में मेरे निहार जी से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगी आंचल। इनमें से एक कागज आप और रुचिता दीदी के तलाक का और दूसरा हमारे शादी का। अब जल्दी से दस्तखत कीजिए। तुम्हारा खेल खत्म हुआ आंचल। इस जन्म में तो क्या, तुम किसी भी जन्म में मेरे निहार जी से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगी आंचल।